अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम निसालिया योर मैथ्स टीचर। हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स का, जो कि हम अभी जब क्लासेस ऑन थी तब हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसका। हम सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक्स ले आएँ और उसका पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपीज़ भी लेके बैठ जाइए। साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और समझते जाएंगे अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, ये हमने थोड़ी सी कर ली थी पहले, इसका हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसका क्वेश्चन नंबर है 1, राइट एस डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 7/10, ठीक है। 7/10 क्या होते हैं हमें पता है, हमने पहले पढ़ा भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता भी है। 7/10 मतलब 7/10, और 800 का मतलब 8/100, और 9000 का मतलब 9/1000, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से आता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसको डेसिमल में करना भी फौरन आ गया है, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम इसको जल्दी जल्दी से डेसिमल फ्रैक्शंस में लिख देंगे। हमें पता है कि 10 डिनोमिनेटर में है और जितने ज़ीरो होंगे हमें पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स लगाने हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास 7 है, हम 7 को लगा देंगे, हमें किसी ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 0। हमने यहाँ लिख दिया आंसर। अब 8/100, 8/100 को कैसे सॉल्व करेंगे, 0. यहाँ तक तो हमें आता है, हमने ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लगा देना है, यहाँ पर 8। अब मुझे बताइए कि ये जो 101 के साथ 2 ज़ीरो हैं और यहाँ डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए, तो क्या ये पूरे डिजिट्स हैं, नहीं ना, क्योंकि 1 के साथ तो 2 ज़ीरो हैं और हमारे पास डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0। तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, आंसर। उसके बाद हमारे पास हमने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। 9000 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बताइए, और अपने पास कीजिए 0. हमने यहाँ 9 लगा दिया। अब बताइए कि 1 के साथ तो 3 ज़ीरो हैं, तो हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 3। एक तो हमारे पास आ गया जो कि है 9, तो हम क्या करेंगे, बाकी के 2 ज़ीरो भी लगा देंगे। अब हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ गए हैं, हमारा आंसर आ गया 0.009। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप लोगों ने वैसे तो अपनी कॉपीज़ में किया हुआ है, लेकिन अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है, पार्ट 1 की भी करनी है, 2 की भी करनी है, 3 की भी, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने अपनी बुक में 4 और 5 की भी करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि 0.5 है ये, ठीक है। 0 में हम क्या अपनी आसानी के लिए लगा देंगे, शुरू में 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 0.5, ठीक है। हमें पता है कि 0.5 हमारे पास क्या होता है, 5/10, उसी तरीके से 0.75 है, 0.75 हमारे पास 0.75, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 75/100। जब डेसिमल से पहले 0 होता है तो हम 0 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसका लिख लेते हैं, हमें किस में क्या करना है, हमें राइट इन वर्ड्स करना है, ठीक है, यानी कि हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। तो हम इसमें 5/10 को किस तरह से लिखेंगे, हमने ऊपर भी पढ़ा है यहाँ पे 7/10 यानी कि 7/10, तो जब 5/10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5/10, और ये क्या हो जाएगा,